स्टूडेंट्स क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्वेश्चन नंबर 108 लेते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। हमसे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 210 किलोमीटर, करेक्ट। तो टू प्लेसेस हैं ए एंड बी नाम की, ठीक। तो डायग्राम बनाते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ये कोई प्लेस ए है ना, किसी जगह का नाम ए है, और कोई प्लेस क्या है बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेस ए प्लेस बी, और हमसे बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 210 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ना, मतलब ए से लेके बी तक ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये कितना है 210 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक। ठीक, अब सुनिए क्वेश्चन में कह रहा है टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स इज 54 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स इज 54 किलोमीटर। आफ्टर थ्री आवर्स दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, अब इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स कितना है 54 किलोमीटर है। बात समझो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एक ही साथ एक ही समय पे, जैसे मान लो शाम के पाँच बजे दोनों कार स्टार्ट हुई। ये देखो ये ए पे खड़ी थी ऐसे, पॉइंट ए पे, और ये बी पे, 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे, ठीक। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में। चेक कर लो, ये वाली कार ए से बी की तरफ जा रही और ये वाली बी से ए की तरफ। देखो ऐसा नहीं कि ये चल देगी और खड़ी नहीं, दोनों एक साथ चलती हैं, 1 2 3, जैसे शाम के 5 बजे, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 बजे 6 बजे कितने भी बजे चली होगी भाई, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक ही टाइम पे चलती हैं, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे चलती है, 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे, ठीक। और ध्यान से सुनिए, एक ही साथ चलती हैं, ठीक। और जब इन दोनों कार को चेक किया गया तो आफ्टर 3 आवर्स, जब 3 घंटे निकल गए, ठीक है बच्चों, जब 3 घंटे गुजर गए, तो फर्स्ट कार यहां कहीं पहुंच गई होगी, मान लो यहां कहीं, ठीक है, जस्ट मैं आपको डायग्राम में महसूस करा रहा हूं, और सेकेंड कार मान लो यहां कहीं पहुंच गई होगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट कार की स्थिति है, फर्स्ट कार की कंडीशन है, वो यहां पहुंच चुकी है मान लो आफ्टर 3 आवर्स, ठीक, और सेकेंड कार यहां पहुंच गई है, ठीक। डायग्राम में हम एक काम करते हैं ना, हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट सी और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट डी, ठीक है। तो आफ्टर 3 आवर्स फर्स्ट वाली कार ए से चल के सी पे पहुंच चुकी है, और सेकंड वाली कार जो बी से स्टार्ट हो रही थी वो डी पे पहुंच चुकी है, ये ऐसे, ठीक। ये 3 आवर्स के बाद की स्थिति है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये पूछता हूँ इस क्वेश्चन में, सुनिए। अगर मेरा सवाल ये है कि जो फर्स्ट कार है, यानी कि जो पॉइंट ए से चल रही, बताओ वो कितनी देर के लिए चल रही है, सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए फर्स्ट वाली कार कितने टाइम तक चल रही है, तो जवाब है 3 आवर्स तक। भाई 3 आवर्स के बाद ही तो आपने चेक किया है ना, ये यहां से स्टार्ट हो रही, 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे। तो भाई सीधी सी बात है, 3 आवर्स के लिए फर्स्ट वाली कार भी चल रही है और 3 आवर्स के लिए सेकंड वाली कार भी चल रही है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में जब टू कार्स ऑपोजिट आती हैं, साइमल्टेनियसली चलती हैं, और कुछ क्वेश्चन में दिया होता है कि भाई आफ्टर 3 आवर्स, तो ये जो टाइम दिया होता है ये दोनों कार्स के लिए कॉमन होता है। यानी कि सी तक पहुंचने के लिए फर्स्ट कार और बी से डी तक पहुंचने के लिए सेकेंड कार, दोनों का टाइम क्या लगा है, सेम लगा है, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि ए से सी तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लगेंगे फर्स्ट कार को, 3 आवर, इसी तरीके से बी से डी तक पहुंचने के लिए सेकंड कार को भी 3 आवर लगेंगे, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है 3 आवर, यहां से यहां तक का टाइम बी से डी तक का टाइम कितना है 3 आवर्स, ठीक है। नाउ अब देखिए, और खास बात क्या है, खास बात यह है कि इन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई 3 आवर्स के बाद जब दोनों कार के बीच का डिस्टेंस मेजर किया गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, दैट इज व्हाट 54 किलोमीटर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए 3 आवर्स के बाद फर्स्ट वाली कार सी पे, सेकंड वाली डी पे, अब सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर, ठीक। तो सी कार और डी कार के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना दिया हुआ है, 54। अब आपको समझ में आया, यानी कि सी डी की लेंथ कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर। सीधी सी बात है, ये स्टार्ट हुई, ये 3 आवर्स के बाद यहाँ पहुँच गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आफ्टर 3 आवर्स इज 54 किलोमीटर, यानी कि एक कार यहाँ एक कार यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है 54 है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, ठीक। Now, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर हम क्या ट्रिक लगाएंगे, यहां पर हम ये ट्रिक लगाएंगे, हमें इक्वेशन कुछ ना कुछ बनानी होगी, तो हम ये ट्रिक लगाएंगे, हम ए से सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे एक्स के टर्म्स में, और एक्स क्या होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और बी से डी की डिस्टेंस निकाल लेंगे एक्स के टर्म्स में, और सी से डी तो दिया ही हुआ है, और तीनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यानी कि ए सी, ये देखिए ए सी प्लस
सीडी और प्लस बीडी। अब बताइए अगर हम तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 210। भाई चेक कर लो ना, ये एबी कितना है, 210 है। सो एसी प्लस सीडी और प्लस बीडी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 210। ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस की बात करी। ठीक, इसको भी हम बना के छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीडी की जगह हम 54 लिख सकते हैं और एसी और बीडी की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। सो स्पीड इंटू टाइम, यानी कि कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम करोगे आप। ठीक, अब सुनिए आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, कंडीशन क्या दी है, इफ स्पीड ऑफ वन ऑफ द कार इज लेस देन ऑफ अदर कार बाय 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। ओके, तो देखिए लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी वी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना कि फर्स्ट कार की जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट तो आपको याद होगा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, यहाँ किलोमीटर और आर में बात हो रही है। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी एक्स किलोमीटर पर आवर, माना कि जो फर्स्ट कार है, और फर्स्ट कार में इसको मान रहा हूँ जो ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो कार स्टार्ट हो रही है फर्स्ट कार है, और बी से जो स्टार्ट हो रही है वो सेकंड कार है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि हमने अज्यूम किया लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार भी एक्स किलोमीटर पर आर, माना कि फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है, एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आर। ठीक, तो सेकंड कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन दैट ऑफ अदर कार बाय 8 किलोमीटर पर आर, मतलब अगर एक कार की स्पीड अगर एक्स है तो दूसरी कार की 8 लेस हो जाएगी, यानी कि x में से 8 माइनस कर दोगे। ठीक भाई, फर्स्ट कार की स्पीड दोनों में से, अब देखो कोई फर्स्ट या सेकंड कार ऐसा कुछ नहीं, दोनों में से कोई भी कार ले लो उसको फर्स्ट बोल दो, एक कार की स्पीड अगर x है तो दूसरी वाली कार की 8 लेस है, उससे 8 लेस कर दो बस। यानी कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार अगर आपने x किलोमीटर पर आर अज्यूम किया है तो स्पीड ऑफ द सेकंड कार इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, 8 लेस करना है फर्स्ट कार की स्पीड में से, फर्स्ट कार की स्पीड x मानी उसमें से 8 लेस करेंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है ना, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए आप क्या करोगे, इतना पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए फटाफट, इतना कर लिया है। चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप एसी कैसे निकालोगे, ए से सी तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस की जगह हमने एसी लिखा तो ये एसी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो जवाब है स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड किसका, फर्स्ट कार का स्पीड, टाइम किसका, फर्स्ट कार का टाइम। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, ये एसी डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी है, फर्स्ट कार ने, कितनी देर में ट्रेवल करी है, 3 घंटे में, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और स्पीड कितनी फर्स्ट कार की, x। ठीक, तो A से C तक का डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट कार ने A से C तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 घंटे में, वो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, वो डिस्टेंस AC है और AC इज इक्वल्स टू स्पीड, फर्स्ट कार की स्पीड x है और टाइम कितना है, टाइम है 3R, तो x इंटू 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x किलोमीटर, ऑब्वियसली 3x किलोमीटर, यूनिट मैंने नहीं लिखा है लेकिन 3x किलोमीटर, यानी कि A से C तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 3x किलोमीटर, ये हो गया AC का डिस्टेंस आ गया। ठीक, उसके बाद सिमिलरली बच्चों अगर आप B से D तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक, ये वाला कॉपी करो, मैं इसको रब कर दूंगा, कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर दूंगा बच्चों, कॉपी कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। देखिए अगर आप B से D तक का डिस्टेंस निकालोगे, ये देखिए B से D तक का डिस्टेंस BD, ठीक, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन ये B से D तक का डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, सेकंड वाली कार ने। ठीक, तो सेकंड वाली कार का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो सेकंड वाली कार का स्पीड इनटू सेकंड वाली कार का टाइम, तो सेकंड वाली जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, एक्स माइनस 8 है। ठीक, तो स्पीड की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस 8, और टाइम कितना है सेकंड वाली कार का, बी से डी तक आने में कितना टाइम लिया उसने, 3, सो इनटू 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो यहां मैं करके दिखा दूं आपको, ठीक है, यहां कहीं करके दिखा दूं, देखो बी डी इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से सुनो, एक्स माइनस 8 इनटू 3 है तो 3 जाके यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, 3 इनटू एक्स क्या होता है, 3x हो जाएगा, फिर माइनस 3 8 24। ठीक,
यानी कि 3x माइनस 24 किलोमीटर। तो ये BD की डिस्टेंस आ गई 3x माइनस 24 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, हम डायग्राम में यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई BD कितना आ गया, ये पॉइंट B है ना, तो BD आ गया बच्चों 3x माइनस 24 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका BD का डिस्टेंस, ठीक। ओके नाउ नोट कर लीजिए फटाफट, अब मैं आपको एक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा और इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। x की वैल्यू निकाल लो तो फर्स्ट कार की स्पीड पता चल जाएगी, और x माइनस 8 कर दोगे तो सेकेंड कार की स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आप लोगों ने ये सब नोट ही कर लिया होगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अब अभी मैंने आपको यहाँ डायग्राम दिखाया था, AC प्लस CD और प्लस BD अगर आप करोगे तो आपको 210 मिलेगा। AC आप निकाल चुके हो कितना आया, 3x भाई, AC का डिस्टेंस कितना है 3x, AC की जगह 3x लिखा, प्लस CD कितना है, CD क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस 3 घंटे के बाद 54 है, तो CD कितना हो गया 54, और प्लस BD अभी अभी आपने निकाला है, BD कितना है 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 210, ठीक। अब यहाँ ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों सर, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस से कोई भी अंदर साइन चेंज नहीं होता है, तो BD की वैल्यू डायरेक्टली आप रख सकते हो 3x माइनस 24, BD की जगह 3x माइनस 24, ठीक। नाउ अब करना कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये वाला 3x और ये वाला 3x दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस 3x 6x, भाई 3 प्लस 3 6 होता है, और प्लस 54 है हाँ, और माइनस 24 है, तो बहुत आसान है, 54 माइनस 24 कितना होता है बच्चों, चेक कर लो, 54 माइनस 24 करेंगे, 4 माइनस 4 0 30 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कितना आ गया, 30 आ गया, 54 माइनस 24 30 आ गया इज इक्वल्स टू 210, ठीक। नाउ अब यहां से हम 30 को कहां से ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड, तो 6x इज इक्वल्स टू 210 माइनस 30, ओके। नाउ 6x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 210 में से 30 अगर आप माइनस करोगे तो आई थिंक यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 180, ओके करके देख लेते हैं एक बार, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, 210 माइनस 30, 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 8 3 8 1, 180 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 180, सो यहाँ पे आ गया 180। अब 6 इंटू x है, 6 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 180 बाय 6, 6 वन जो 6, 6 थ्री जो 18, और ये वाला 0 एज इट इज 30 अपॉन 130, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो फर्स्ट कार की स्पीड आपने x मानी थी है ना, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ द आंसर लिख रहा हूँ ये मैं, ठीक है, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आर, और सेकेंड कार की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द सेकेंड कार है ना बच्चों, सो सेकेंड कार की जो स्पीड है वो कितनी थी, x माइनस 8, ठीक, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 30 और माइनस 8, 30 माइनस 8 कितना होता है 22, सो सेकेंड कार की स्पीड कितनी है 22 किलोमीटर पर आर, और फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आर, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।